बस इसको ला लें अच्छी तरह मिक्स करें। अच्छे जी, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक ये मुकम्मल सही तरीके से एक जान ना हो जाए। अभी पर ये हलवा बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत शुक्रिया अम्मी जी, बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जी तो शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जो परसों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरी अम्मी बहुत मजे का हलवा बनाती हैं, तो आज मैंने अम्मी से रिक्वेस्ट की है कि अम्मी जी आज आप हलवा बनाना सिखा दें। तो अम्मी जी आज आप बनाएंगी हलवा? ठीक है, मैं बताती हूँ जी। इंग्रेडिएंट्स मैंने सारे रख दिए हैं किचन में, तो चलें अब हम आपको मजे की रेसिपी के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो चलें अब हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी तो हम लोग किचन में आ चुके हैं और अम्मी ने मुझे बताया है कि हलवे में जो जो चीजें यूज होती हैं आप कलेक्ट करो तो हम मिलकर हलवा बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं चार अंडे हैं, ये सूजी और ये जो है गुड़ है, और इसी के साथ ये इलायची है, और ये मेवा, और ये जो है दूध, और ये दूध जो है वो बाद में हमने जो ऐड करना है हलवे में। सूजी भून के डालना जी। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छी तरह फेंट लें। अच्छा अच्छा जी, तो इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। वैसे कांटे से नहीं सही होता? चलो इससे भी हो जाता, मैं तो इसी से करती हूं। अच्छा हो रहे हैं सही से? देसी अंडे लिए हैं आपने? देसी अंडे हैं। अच्छा। घी भी देसी का होगा। अच्छा अब जो सूजी डालेंगे इसमें जी, बस हो गया जी। चले ये सूजी डाल दें इसमें बाउल में। तो बाउल में हम सूजी ऐड करते हैं। एक कप सूजी है। अच्छा ये इसमें अंडे डालने हैं। अंडे डालने हैं बस, इसको ला लें अच्छी तरह मिक्स करें, अच्छी तरह मिक्स करें जी। तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह ये जान हो जाए साहब। अब इसमें दूध डालें जी, ये वाला, ये बाउल वाला दूध डालें। बहुत ही मजे की रेसिपी है, मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसे हलवा बनते हुए। सही बात है, वो ही ना मेहनत है, लेकिन चीज कमाल की बनेगी इंशाल्लाह। अब मैं इसमें दूध ऐड करती हूँ। अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, आपकी दादी का मजे बनाती थी माशाल्लाह। अच्छा बहुत मजे का बनता था जी, सब बहुत शौक से खाते थे जी। और अभी तक माशाल्लाह आपका हलवा जितना मशहूर है ना, इतनी कोई चीज भी नहीं है, सब बहुत तारीफ करते हैं। और मेरी अम्मी भी कहती हैं कि मेरी बाजी जैसा हलवा कोई भी नहीं बना सकता। अभी ये 10 मिनट पड़ा रहेगा। अच्छा अच्छा चले हो गया मिक्स। ठीक है इसमें जी, तो इसमें घी कितना ऐड करना है? देसी घी 4 ये डाल दें। अच्छा 4 कुपियां डाल दें इसमें। बस ये जब गर्म होगा ना, अच्छा तो फिर इसमें वो गुड़ डालना है। सही है फिर इसमें गुड़ डाल देना, बस वो पकाते रहना जी। आंच, जब वो आंच का क्या सिस्टम होना चाहिए? तेज हो वास्ता? आंच बस ठीक है, ये वाली आंच ठीक है जी। ठीक है फिर ये गुड़ डालना जी। हम तो गुड़ का ही, मैं तो गुड़ का ही हलवा बनाती हूँ जी, चाय भी गुड़ की बनाती हूँ। और गुड़ की बहुत अच्छी बात है, इसका कोई जो है साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। ये काफी है जी, तो अभी ऐड कर दूं इसमें? हाँ ऐड कर दो। अच्छा जी, तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक ये मुकम्मल सही तरीके से एक जान ना हो जाए। अभी पहले से जो है थोड़ा सा इसमें फर्क आया है, देख सकते हैं आप। तो चलें आप इसको मुसलसल चमचा लाते रहना, लाते रहना बस। वो कहते हैं ना किसी काम को किया जाए और कोई बनी बनाई चीज जो है वो आसानी से आप लोग खा लेते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत जितनी करनी पड़ती है ना वो आप पता चल रहा जी। तो अब ये बिल्कुल मिक्स हो गया है इसमें ऑयल में, तो अब इसी के साथ मैं मिल्क इसमें ऐड करूंगी। जी तो अभी तीनों चीजें जो है ऑयल, गुड़ और दूध इसमें मिक्स हो रहा है। इसको फिर दोबारा सही से चमचा ला के मिक्स करना है जी। तो पहले जो मैंने इसमें दूध ऐड किया है उसमें मैंने देसी अंडे और सूजी थी जो मिक्स की थी तीनों चीजों को आपस में, तो अब मैं इसमें दूध दोबारा से ऐड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें इलायची डालूंगी। और अभी इसको मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ, और बाकी ड्राई फ्रूट को जी, और बाकी ड्राई फ्रूट को जो है मैं बाद में ऐड करूंगी जब बन जाएगा।
जी तो मैं इसमें इलायचियां ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। बहुत ही मजे की इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से तैयार हो रहा है। तो अब इसको अच्छी अच्छी तरह से भूनना है और 15 मिनट के लिए भूनना है अब आपने। तो उसके बाद जो है 1 किलो दूध मैं बाद में ऐड करूंगी, मैं अभी साथ ऐड नहीं कर रही क्योंकि अभी मैंने 15 मिनट इसको चमचा मुसलसल लाते रहना है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसका कलर कितना मजे का गोल्डन हो गया। आपका फिर भून चुका है, अब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। ये नरम करने के लिए होता है, ये हलवा इससे काफी नरम बनेगा। अब इसको फिर अच्छी तरह भूनना है, जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। अभी कितनी देर भूनना है? अभी ये तकरीबन 10 मिनट और लग जाएंगे। अच्छा ठीक है, बस अभी 10 मिनट का काम रह गया, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और। ठीक है, बस सिर्फ भून के अब ये फाइनल हो जाएगा 10 मिनट का। जी तो आप जो 10 मिनट के बाद मैंने आपको बोला था कि इसको भूनना है, तो आप हमारा हलवा रेडी है। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है, शुक्र है अल्लाह पाक का कि बहुत ही अच्छा तैयार हो गया और ये देखने में बहुत मजे का लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि जल्दी जल्दी से मैं खा लूं। तो आप ये बिल्कुल रेडी है। और अब ये ड्राई फ्रूट है, मेवा खोपरा और बादाम, जो कि पहले मुझे दिखाने की आदत नहीं रही, तो अब मैं इसको इसमें ऐड कर देती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ इसको। ये तो बहुत ही मजे का हलवा हो गया है, तो मुझसे सबर नहीं हो रहा बिल्कुल, मैं करने लगी हूँ चूल्हा ऑफ और मैं खाने लगी हूँ। सबकी फरमाइश पे मुझे भी आज दोबारा हलवा खाने का शर्फ हासिल हो गया। फिर जगह मैं बताती रही हूँ तो ये हलवा बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत शुक्रिया अम्मी जी, बहुत खुशबू आ रही है। अब ये टेस्ट करें ना, पता चले आप भी बनाए ये कैसा बना है, फिर बताना कि कैसा बना है। फिजा ने फॉलो किया जी, देख लेना ये फिजा ने बनाया है। चलिए आप अभी टेस्ट कीजिए पहला, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसा बना। अम्मी की रेसिपी है, इंशाल्लाह अच्छी होगी। अम्मी की रेसिपी है, लेकिन हाथ तो माशाल्लाह आपके ही जो है वो चले हैं, मुबारक हाथ चले। आपको मेरे कभी कोई चीज नहीं पसंद आएगा। नहीं, बहुत अच्छा बना है, देखना सबको बहुत पसंद आएगा। चलो बस, मैंने तो अभी रोटी खाई है, मैं तो फुल पे रहूं। चलिए आप नहीं खाएंगे अब, इसका मतलब है? नहीं मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, थोड़ा सा खा लेना, मैं टेस्ट तो करना। नहीं नहीं मैं बना है। अच्छा कल मुझे कह रहे थे कि हलवा गर्म करें, हलवा की तरह मेरा हलवा खाने पे बड़ा दिल है, तो चले आप आज आप ताजा खा लें अगर आपका दिल है खाने पे, तो चले देखते हैं फिर लो जो है। जी चलो अब इस पे ढकना दे दे, खाने पे नहीं दिल मैंने बुलाया इसलिए। जी तो अम्मी जी मैं ले आई हलवा, मुझसे तो नहीं हुआ सबर, मैंने कहा रोटी मैं बाद में खा लूंगी, पहले मैंने हलवा टेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको हलवा डाल के देती हूँ। कितना लेंगी आप? बस थोड़ा सा। अच्छा बस बस। जी तो आ जाए आप भी खा लें। अम्मी पहले कंफर्म कर लेना कि ठीक बना, फिर उसके बाद मैं खाऊंगा। टेस्ट कर ले, मुझना कह रहे हैं तो मैं नहीं रिस्क लेना चाहता। हलवा बड़ा अच्छा बना, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया फिजा ने। बहुत शुक्रिया अम्मी जी, आपकी रेसिपी थी और सब तो साई सच बोलना आया ना है कि तुसी को वो भाई यूट्यूब पे वीडियो पानी है तो तुसी कह दो कि अच्छा बने हो, या साई सच बोल दो आज। नहीं नहीं बड़ा अच्छा बना, हलवा बड़ा अच्छा बना, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैं बनाई थी, बहुत बेहतरीन है। जी तो इस हलवे की सबसे मजे की और खास बात ये है कि जो भी आप हलवा बनाए उसमें, अच्छा ये जो है ये देसी घी था जिसको मैं अपनी सारी वीडियो में आई लाइक बोलती रही हूँ, क्योंकि वो गर्मी है तो इस वजह से ना वो थोड़ा पिघल गया घी, तो इसलिए मुझे समझ ही नहीं आई। तो ये देसी घी है जो कि अलग हो गया बिल्कुल, इसको मैं अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ भी। तो चांद जल्दी से भाग के जाए, हमने हलवा बनाया तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम बाजी रास्ता बना दे, तो जल्दी से जाए उनको देख के आए हलवा। रायदा तो हमारे लिए जगह टैक्सी बना हुआ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा जब छोटे होते खाते थे ना हलवा, वो सूजी का हलवा होता था, वो खाओ के सर में दर्द शुरू हो जाती थी, तो उसके बाद से मेरा तो हलवे से इतबार उठ गया है, लेकिन शुक्र है जब का मैंने ये खाया मैं फैन हो गई हूँ इसकी, बहुत ही मजे का।
अम्मी जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने रेसिपी हमारे साथ शेयर की है। बच्चे आपको समझ आ गई है? जी जी बहुत शुक्रिया। तो लोग भी कमेंट्स में बोल रहे थे तो आपने भी हलवा जरूर लाजमी ट्राई करना है क्योंकि ये बहुत ही मजे का है। तो मुझे बताना भी है फिर कि कैसा बना हलवा। तो आपको मेरी आज की सारी वीडियो रेसिपी कैसी लगी है आपने मुझे लाजमी बताना है। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।